Radhesham Bharati from Prayagraj, UP. Adani Shekhar ji, Archana ji. मैं जब इस शो में आया था डॉक्टर साहब तो 72 साल का था और ऐसा अपनापन दिया है आप लोगों ने. So sweet. 22 साल का हो गया. देखिए कुछ चीजें जो देखने में तो खराब लगती हैं डॉक्टर साहब, मगर होती है अच्छाई. मगर ये जो नोक झोंक है डॉक्टर साहब रोज रोज की मियां बीबी की तू तू मैं कह रहा हूं आदरणीय शेखर जी अर्चना जी कि ये देश के हित में है. देहात शहर कस्बा यहाँ या वहां रहते बीबी मियां लड़ते ही हैं चाहे जहां रहते. अरे हम रोज झगड़ते हैं तब 135 करोड़, हम प्यार से रहते तो बताओ कहां रहते. बड़ी व्यस्तताओं में हम लोग जी रहे हैं. हर आदमी व्यस्त है, साहब हैं सांस लेने की मोहलत नहीं मिलती. आप भी व्यस्त रहते हो तो थोड़ा सा सावधान रखिएगा. साहब हैं सांस लेने की मोहलत नहीं मिलती, हैं व्यस्त बहुत काम से फुर्सत नहीं मिलती. बीबी है घर गृहस्थ हैं, लड़के भी चार हैं, साहब से किसी लड़के की सूरत नहीं. ये गंदी बात है. पता मेरे को, मैं समझ गया. ये जमाना कहाँ था, देखते ही देखते कहाँ से कहाँ निकल गया. पहले का प्यार जीवन भर का होता था, आजकल का प्यार जवानी भर का भी नहीं ब्रेकअप भर का होता है. वाह वाह. पहले लैला के प्यार में दीवाना होकर मजनू ने बरसों तक सहा था संताप, अब गली गली में मजनू के बाप. क्या प्यार है, क्या प्यार है इलू इलू. जनवरी में आई लव यू, फरवरी में आई लीव यू, मार्च खत्म होते होते आई विल किल यू. शेखर जी अर्चना जी, अरे तब क्या था, अब तो कैसे कैसे ब्यूटी पार्लर है. भैंस घुसे या भैंसा इसमें बन के निकलेगा. तब आदमी थोड़े में संतुष्ट था, चैन की नींद सोता था, अब सोने की चेन पहनता है, रात भर करवट बदलता है. डॉक्टर साहब. हाँ जी. मैं कवि हूँ, व्यंगकार हूँ, समाज में जो कुरीतियां दिखाई देती हैं, विकार दिखाई देते हैं, उस पर व्यंग करता हूँ. आजकल हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा खूब पढ़े, पढ़े और जंप मार कर आगे बढ़े, बढ़े और डायरेक्ट पैसे के पेड़ पर चढ़े. इसे देखते हुए शहर कस्बा गांव बाजार चारों तरफ बड़े जोर शोर से होने लगा है शिक्षा का प्रचार प्रसार. प्रचार प्रसार के इस कार्य में सब जी जान से जुट गए हैं, एकदम तुल गए हैं, गली गली मुहल्ले मुहल्ले विश्वविद्यालय खुल गए. कुछ लोग कहते हैं कि अध्यापक रेगुलर क्लास लें तो बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा. अच्छा, तो फिर कोचिंग क्लास में कौन पढ़ेगा. शर्मा जी इसलिए रेगुलर क्लास नहीं लेते क्योंकि वर्मा जी भी तो नहीं लेते. शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था. गुप्ता जी पिछले 6 महीने से यही एक ताजमहल वाला पाठ पढ़ा रहे हैं. गुप्ता जी मानते हैं कि बच्चे ताजमहल के बारे में कुछ नहीं जानते. बच्चे भी जान गए हैं कि गुप्ता जी ताजमहल के अलावा कुछ नहीं जानते. वो जमाना गया जब सामने से मास्टर साहब को आता हुआ देखकर लड़के छुप जाते थे. अब मास्टर जी खुद छुप जाते हैं. कोई भरोसा है कि ये होनहार कब कैसा बर्ताव करने लगे, कब क्या बोल दें, बच कर ना रहे तो गुरु जी की धोती खोल दे. अब ये अंगूठा कटाने वाले नहीं, अंगूठा दिखाने वाले एकलव्य हैं. मौका मिलते ही गुरु दक्षिणा अदा कर देते हैं.
चार लड़कों के बीच में फंस जाएं तो गुरुजी को द्रौपदी बना देते हैं। बहुत खूब। हमारी राजनीतिक पार्टियां छात्र संघों के चुनाव में बड़ी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। छात्रों को राजनीति के गुर सिखाती हैं। ठीक भी है। ये छात्र विश्वविद्यालय में हाथ नहीं आजमाएंगे तो कल को कैसे विधानसभा में जूता चलाएंगे? अब कोर्स में न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, बस यहीं तक तो है। दृष्टिकोण कहाँ पढ़ाया जाता है? तो ये नौजवान पढ़ लिख कर जैसा करने लगते हैं बर्ताव, उसमें नहीं है कोई ताज्जुब की बात, क्योंकि अब कोर्स में कहां पढ़ाया जाता है श्रवण कुमार का पाठ। यही कारण है कि इकलौता बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनकर किसी बड़े शहर के किसी बड़े होटल में किसी कन्या कटीली के साथ डिनर उड़ाता है। इधर आईसीयू में भर्ती बूढ़ा बाप राह तकते तकते मर जाता। आज की ये शिक्षा लोक मंगल का भाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ बटोरने का दांव सिखा रही है, जीवन के रस को सिखा रही है। आंखों की ज्योत कही जाने वाली शिक्षा अब तो बस अंधा बना रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वेलकम हेमंत पांडे फ्रॉम कानपुर। शेखर जी बहुत बढ़िया लग रहे हैं आप, बहुत स्मार्ट हैं। एक तो आप सेलिब्रिटी हैं तो स्मार्ट तो लगेंगे। कितने लोग आप पे ऊपर मरते होंगे। सर एक हम हैं जो कुंठा से मरे जा रहे हैं। सही बता रहा हूँ सर, कितने गिफ्ट आपके आते होंगे। और वैलेंटाइन डे में इतने गिफ्ट आते होंगे कि सर खुद नहीं गिन पाते हैं। हमने एक बार एक लड़की से कहा अपने बॉयफ्रेंडों के यहाँ लोग इतने सारे गिफ्ट भिजवाते, कुछ हमारे लिए भिजवा दो। सर उसने हमारे यहाँ पुलिस भिजवा दी। सही बता रहा हूँ सर। अर्चना मैं आपको बताऊं, अगर हम किसी लड़की से कह दें कि हमें तुमसे मिलना है तो जवाब पता है क्या आता है? तुझसे मिलेगी मेरी जूती। और अगर शेखर जी कह दें कि हम तुमसे मिलना चाहते हो तो जवाब आता है आंखें अपनी चार करेंगे, तुमसे केवल प्यार करेंगे, मैं 16 श्रृंगार लगूंगी, पूरी कुतुब मीनार लगूंगी, दूध के हम तो धुले हुए हैं, द्वार हमारे खुले हुए हैं, तो जो मन में होगा वो राजा, कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। अर्चना जी हमने सबक दिया है कि अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि चार छह हराम खोर उसका आंसू पूछने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। सर हम हो गए हैं सीनियर आशिक, इतने बार रिजेक्ट हुए हैं हम सीनियर आशिक हो गए हैं। तो हमारे जूनियर आशिक ने एक लड़की को प्रपोज किया, उसने कहा ऐसा सोच समझ के हमको जवाब दे देना। कल उसके चार भाई जवाब देने गए थे, आज डॉक्टर ने भी उसे जवाब दे दिया है। कुल मिला के मैम वो हमारा काम 35 करके चली गई। अब आप ये नहीं समझ रहे होंगे काम 35। काम 35 का मतलब होता है किसी को निपटा देना। अब सीधा उदाहरण ये समझ लीजिए, अर्चना जी ने कई जजों का किया काम 35। जब से अर्चना जी ने काम लोगों का 35 किया है सबसे ज्यादा सतर्क है शेखर जी। न साले से खतरा है, न साली से खतरा है, इनको बिल्कुल नहीं आजकल ठोको ताली से खतरा है। जब से नई वाली ने निपटाया है पुराने जजों को, तब से शेखर जी को बगल वाली से खतरा है। तो मैडम आप काम 35 का मतलब समझ गई होंगी। समझ गया। हमारे यहाँ यूज होता है कानपुर में, उत्तर प्रदेश में काम 35, चिकाई, भोकाल, लफाज, ये सब कुछ हमारे यहाँ बहुत हिट है। अब चिकाई होती है हमारे कानपुर में, अक्सर एक दूसरे से लोग कहते हैं गुरु ऐसा चिकाई ना करना, कहते चिकाई चिकाई में तुमने ये कर दिया। चिकाई का मतलब होता है कि मौज लेना, किसी की मौज ले ली भले थोड़ा बहुत उसको बुरा लग जाए। अच्छा। अब हमारे जब ट्रेन आना होता है तो हरी बत्ती जलती है, उसका संकेत होता है कि ट्रेन आ सकती है। अब हमारे कानपुर के लौंडे वो चिकाई चिकाई में उसी हरी बत्ती में लाल पन्नी चिपका देते हैं, फिर वो छुप जाते हैं। अरे फिर जब पुलिस वाले उनको पकड़ते हैं तो पूछते हैं क्यों भाई काहे किया था ये, तो कहा साहब वो चिकाई चिकाई में हो गया। फिर रात भर पुलिस वाले उसके साथ चिकाते हैं। ये होता है चिकाई। एक कैरेक्टर सर हमारे यहाँ होता है लफाज। लफाज वो लोग होते हैं जो आए बाएं साएं कुछ भी बके,
अच्छा। असल में उनके पास अनाप अनाप पैसा होता है, बहुत पैसा उनके पास होता है, उनकी बातों का कोई मतलब नहीं, तो खाली बैठे रहते हैं, कोई निकल रहा होता है तो लफाजी में उसकी को बेचती, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। तो लाफ्टर के जब पहले एपिसोड से हम गए तो एक हमारे मुन्ना भैया हैं कानपुर में, बहुत बड़े लफाज है मैडम, उन्होंने बुलाया पांडे यहाँ आओ, हो आए लाफ्टर में, तो हम कहा भैया हो आए, कहने कैसा रहा? अरे हमने कहा बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया, कहने कौन कौन था? हमने कहा शेखर जी थे। ये बताओ पांडे तुम्हारे में तोप चली थी कि नहीं? तुम कहने तोप तो नहीं चली थी, तुम तो कहने लगे कहो तो बम ले चले। कहने लगे दूसरा कौन? हमने कहा बगल में बैठी है मैं अर्चना पूरन सिंह जी। कहने पांडे सुंदर बहुत है और हस्ती बहुत अच्छा है, एक बार हमारा हेलो बोल देना। हमका मुन्ना भैया अर्चना जी को तुम नहीं जानते हो, बहुत खतरनाक है वो, उनकी नई मूवी आ रही है गदर 3। गदर 2 तो वो खुद नहीं आने दे रही है, अब उसमें वो तारा सिंह का रोल कर रही हैं सनी देओल की जगह। और ये बात जब से अशरफ अली को पता चला है वो पाकिस्तान से दुबई भाग गया है। तो मैडम कानपुर के लुंटे बहुत लफाज हैं, तो स्टेटस वो लगाते हैं हम समंदर हैं हमें खामोश रहने दो, जरा सा मचल गए तो शहर ले डूबेंगे। सर ये वही लुंटे हैं जब बरसात पानी जब भर जाता है तो पैंट घुटने तक चढ़ा लेते हैं, जो वही ऐसे स्टेटस डालते हैं। अच्छा सर लफाजी लफाजी में अगर कोई सच बोल दे तो आदमी झेल नहीं पाता है। अब मुन्ना भैया से उनकी पत्नी ने कह दिया सुनो तुम जब चले जाते हो ना बाहर हमको बहुत डर लगा रहता है। तो मुन्ना भैया ने कहा पगली काहे डर लगा रहता है, हम जल्दी आ जाएंगे। बोले इसी बात का तो डर लगा रहता है। हम लोग तो कानपुर के वहां सर बहुत बड़े बड़े वाले लोग हैं, हमारे डॉक्टर साहब वो भी बहुत बड़े वाले हैं। हमारे एक शर्मा जी डॉक्टर के ऊपर चढ़ बैठे, कहने लगे डॉक्टर साहब ये जो तुमने 4 दवाई लिखी है इसमें 3 तो मिल रही है, ये चौथी वाली दवाई क्यों नहीं मिल रही? कहने लगा अरे यार हम इसको लिख नहीं रहे थे, हमारे पिन की रिफिल खत्म हो गई थी, हम चला के देख रहे थे और तुम दवाई समझ रहे हो, कहीं तुम्हारे चक्कर में पूरे शहर का परिक्रमा हो गया है। 52 मेडिकल स्टोर हम हो आए हैं, एक कह रहा है कि दवाई खत्म हो गई है कल आना, दूसरा कह रहा है कि इसकी कंपनी बंद हो गई कहो तो उसका सब्स्टिट्यूट दे दें, तीसरा कह रहा है ये ब्लैक में मिलेगी और चौथा वाला कह रहा है कौन पगलेट इसको लिख के दीस है, ये कोरोना की दवा है, कोरोना जाने कब खत्म हो गया था। ऐसे लोग सर हमारे यहाँ इतने बड़े वाले हैं, सर हमारे यहाँ इतने बड़े वाले लोग हैं कि भारत बंद के दौरान एक आदमी चड्डी पहन के सड़क पे आया, हमने उससे पूछा तो उसने कारण बताया हमारा विरोध और प्रदर्शन मिला जुला है, बंद समझो तो बंद, खुला समझो तो खुला है। बच्चे भी हमारे बहुत बड़े वाले हैं, हम तो एक स्कूल में पढ़ाते हैं कानपुर में, तो हमने एक बच्चे से पूछा, हमने कहा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? तो मास्टर उसने कहा मास्टर सब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेकू मैं जो तुमसे कह रहा हूँ कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है तो लोहा कैसे भारी होगा? उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं, आप जान जाओगे क्या भारी होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। कानपुर से हैं आप? सर कानपुर से जी। मेरा काम था छोटा सा, एक आप बताइए इफ यू डोंट माइंड। कानपुर लेदर के लिए फेमस है राइट? जी बिल्कुल। हाँ। जी बहुत लेदर होता है जी। ये बता सकते हैं जूता रैगजीन का या लेदर का? मेरे को क्या क्या बेचा है उसने? रैगजीन। तभी मैं कहूँ 150 रुपए में 2 जोड़ी कैसे दे दी उसने मेरे को।